नमस्कार, मैं विकास और बात होगी। खास खास बात यह है कि आज वीर भवन में भाजपा के वरिष्ठ नेता और कॉन्फेड के चेयरमैन करमवीर सैनी आज वो पहुंचे थे और मन की बात, प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी है। और ये देखिए, मन की बात सुनने के लिए बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता, करमवीर सैनी के जो समर्थक है, वो यहाँ पहुंचे थे। और देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। और दो दिन पहले अमित शाह भी आए थे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो करमवीर जी, आपका स्वागत है। क्या कुछ कार्यक्रम था, थोड़ा डिटेल से? धन्यवाद जी। आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सुनी है और प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों का देश के प्रति जो उनका समर्पित भावना रही है, उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी, वो सब बारे में अच्छे विस्तार से प्रधानमंत्री जी ने बताया है। दूसरे खेलों के बारे में जानकारी दी। तीसरा, एक पेड़ माँ के नाम के बारे में उसका महत्व बताया, माँ के नाम के एक पेड़ लगाना हो। और एक गांव की भी चर्चा करी प्रधानमंत्री जी ने, किस तरह से गांव में, छोटे से गांव में ये छत्ता बनाने का काम करते हैं और देश और प्रदेश में और वर्ल्ड में वो फेमस होने का काम किया उस गांव ने। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बहुत छुती हुई बातें जो है, दिल से छूने वाली बातें जो है, वो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आज, सभी देश के हर वर्ग के तबके को ये बातें बताने का काम किया। आज करोड़ों करोड़ों लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी है। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता हैं अमित शाह, चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के। परसों वो आए थे पंचकुला में, क्या मंत्र देके गए? कल वो जीत का मंत्र देके गए हैं और बिल्कुल स्पष्ट करके गए हैं कि अगला चुनाव जो है मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जो तीसरा कार्यकाल है वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। ये है, अमित शाह जी ने पूरी तरह से क्लियर करके गए। अब गांव में लोग, हम जाते हैं बैकवर्ड में, काफी उत्साह, 27% आरक्षण जैसे ही दिया, बैकवर्ड के लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि बैकवर्ड के पक्ष में जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो क्रीमी लेयर को 6 लाख से 8 लाख बढ़ाया और आरक्षण 15% से 27% किया, ये बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, जिससे पिछड़ा वर्ग के लोग जो है बहुत उत्साहित है, क्योंकि बैकलॉग भरने का फैसला किया है तो इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपना हक मिलने का काम हुआ है। रणबीर जी, आप भी ने पहले सरकारों में काम कर रहे हैं, चाहे चौटाला आया, चाहे हुड्डा आया, चाहे बंसीलाल आया, चाहे भजन लाल आया, ये बड़े लंबे समय से मांग थी, लेकिन कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज के होने के नाते या लोगों में एक बात यह भी है कि उन्होंने बैकवर्ड का दर्द भी समझा। देखो, वो 36 बिरादरी के नेता है, वो किसान के नेता है, मजदूर के नेता, पिछड़ा वर्ग के नेता, गरीब के नेता है, हर वर्ग का ख्याल कर रहे हैं, हर वर्ग के काम कर रहे हैं। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने किया, गरीब महिलाओं के लिए उन्होंने किया, गरीबों के लिए बहुत सारे फैसले किए, तो बहुत सारे फैसले उन्होंने किए हैं। हल्के की अगर बिजली के बारे में किया, बहुत अच्छा फैसला है, वो सबको, किसानों को फायदा, सबको फायदा उसका। अब एक हल्के के विकास कार्यों की, काफी लंबे समय से जो रुके हुए हैं, उनको कितनी गति मिलने का काम होगा और क्या क्या नए काम अब सफेदों में आने वाले? जहाँ तक सफेदों विधानसभा क्षेत्र के हैं, बहुत सारे विकास के कार्य होने वाले ही हैं, जो सफेदों से जींद और जींद से सफेदों से पानीपत, ये भी सड़क दोबारा से इसको निर्माण करने वाला है, क्योंकि इसको दोबारा से इसकी रिपेयर भी होने वाली है और जहाँ से चौड़ा होना, चौड़ा भी होना है। और इसी तरीके से सारे काम जो है विकास के काम, मैं समझता हूँ इलेक्शन से पहले काफी सैकड़ों करोड़ रुपए यहाँ पे आने, मैं भी विकास के कार्य दे के आया हूँ और उनपे भी काम चल रहा है। योजना जो आप अब तो मुख्यमंत्री के काफी नजदीक बैठते हो, तो कोई ऐसी योजना जो सफेदों के लोगों के आपके मन में, ये अगर ले आएंगे तो काफी तरक्की सफेदों करेगा? इसमें को दोहराने हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह ITI और दूसरे हमारे यहाँ पे GNM ANM का है, कॉलेज भी महिलाओं का अलग से बनाया है और पिल्लूखेड़ा में भी एक कॉलेज की घोषणा हुई, वहाँ भी चालू हो रखा है, वहाँ पे बिल्डिंग बननी, बिल्डिंग के पैसे भी आ चुके हैं, पिल्लूखेड़ा जामनी में बिल्डिंग भी बननी है। तो इस तरीके से विकास जो है दर पे दर चल रहा है। और जो पिछले दिनों देखा आपने सफेदों, तो ऐतिहासिक स्थल बनने जा रहा है, क्योंकि KMP से लेके कटड़ा तक का बहुत बड़ा हाईवे, नेशनल हाईवे, और दूसरा हाईवे जो है ये 152 DBO सफेदों से होकर गुजर रहा है,
और 2800 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनना है, और इससे ऐतिहासिक फैसला और क्या हो सकता है, और इससे बड़ा विकास और क्या हो सकता है। धर्मवीर जी, एक मांग और उठ रही है, ये जिन एक बार फिर बाहर आ गया भाई, सफेदों को जिला बनाना चाहिए, क्योंकि हम गवाना में नहीं जाएंगे, आसी भी बन रहा है, तो सफेदों के लोगों की डिमांड है कि मांग भी आई है लंबे समय, जरूरत भी मैं मानता हूँ कि सफेदों को जिला बनवाए। इसमें कोई दोराय नहीं, हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं, सफेदों को जिला बनाना चाहिए, और सफेदों बहुत पुरानी तहसील है और इसमें असंध भी मिल सकता है, दूसरी विधानसभा क्षेत्र भी मिल सकती है, और सफेदों का हक भी बनता है, और पहले भी मैं मांग कर चुका हूँ, और मुख्यमंत्री से भी हम अनुरोध करेंगे मिलके कि सफेदों को जो है वो जरूर से जरूर जिला बनाया जाए, अगर जिला बनता है ना तो सफेदों को बढ़ाया जाए। बड़ी रैली मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी तक सफेदों नहीं आए, तो लोगों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से उम्मीद है, तो क्या कोई बड़ी रैली आपकी पार्टी की ओर से, आपकी ओर से कोई आयोजित करवा दे? जो पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि पार्टी के स्तर पे फैसला होता है, पार्टी जो फैसला करेगी रैली होगी तो रैली बढ़ चढ़ के रैली करेंगे, और बहुत सारे फायदे रैली से होंगे, वो पार्टी लेवल पे फैसला होगा। ये थे हमारे साथ कॉनफेड के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री की मन की बात आज यहाँ सुनी है, काफी लोग यहाँ मौजूद रहे, और सैकड़ों करोड़ के कार्य जो है सफेदों में होने जा रहे हैं, उनको लेकर भी लगातार चर्चा की गई, लगातार बात की गई, और तमाम वो जो पहलू हैं उन पर चर्चा की गई। डिस्ट्रिक्ट बनाने का जहाँ मुद्दा था, जहाँ सवाल थे डिस्ट्रिक्ट को बनाने के, उसका भी करमवीर सैनी के द्वारा समर्थन किया गया है। करमवीर सैनी के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि ये बहुत पुरानी तहसील जो है सफेदों है, और वो लोगों की मांग का समर्थन करते हैं, और मुख्यमंत्री से मिलकर इस बारे में विस्तृत चर्चा करने का काम करेंगे, ताकि इसको भी कहीं ना कहीं जिला बनाया जाए, सफेदों के लोगों की मांग को जरूरत में बदला जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लोग अपने काम के लिए करमवीर सैनी से लगातार मिल रहे हैं, और लोगों के काम लगातार करमवीर सैनी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ, हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव की शुरुआत भी अब शुरू हो गई है, अब उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है, कहीं ना कहीं आज करमवीर सैनी ने अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर दिया कि विधानसभा चुनाव की भी वो तैयारी रखे इसके साथ साथ, क्योंकि अगर पार्टी ने मौका दिया तो वो अच्छा चुनाव यहाँ से लड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं लाइव लगातार आपको हम सफेदों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं लोग लगातार उनसे मिल रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब पेड़ लगाया जाएगा, क्योंकि अब देख सकते हैं काफी लोग, एक नई मुहिम चलाई गई है, उसके तहत आज पेड़ लगाने का काम करमवीर सैनी करेंगे। ये देख सकते हैं कि पेड़ लगाया जाएगा, ये तो है। पूरा तो गलत हो जाएगा जी, ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, पौधारोपण किया जाएगा। लगातार आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, ये देखिए मन की बात प्रधानमंत्री की, दीवार उधर खाली थी, खाली भी पीछे बनाएंगे। चलो भाई फोन फिर बदलते फोटो तो कौन उतारोगे, फोटो बुक करोगे तो नून खींचेंगे, फोटो इस साइड तक खींचते हैं फोटो। देखिए प्रधानमंत्री की मन की बात के बाद अब पौधारोपण किया जा रहा है, कॉनफेड के चेयरमैन वरिष्ठ भाजपा नेता करमवीर सैनी पौधारोपण करेंगे, और तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, लगातार लोगों की समस्याएं, कार्यकर्ताओं की समस्याएं पर समाधान का काम करमवीर सैनी कर रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ मौजूद है।
थोड़ा मस्त ज्ञान दे दो, इसमें थोड़ा आपने ज्ञात ज्ञान है। मुंदीश जी विधानसभा चुनाव भी आ गया, तो मन की बात भी सुनी है, मन की बात सुनकर कैसे लगा पहले तो ये बताओ। हम बहुत खुश हुए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी वो बहुत ही अच्छी बातें थी और वो जो है अपने जिंदगी में ग्रहण करने वाली है और धारण करने वाली है और हमने धारण की भी है। पुराना रुतबा लौट आया है, काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लोग आने लगे हैं। ये भाई कर्मवीर सैनी जी की मेहनत का नतीजा है, उन्होंने 20 साल लगातार मेहनत की है और उस मेहनत से ही आज हमारे को रिजल्ट आने के आसार हैं। समाधान का दूसरा नाम अब कर्मवीर सैनी सफेदों में बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, समाधान का दूसरा नाम है और इसी से समाधान निकलेगा, इसी से विकास निकलेगा। ये देखिए लाइव आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फोटो खींचना भाई साहब, इधर इधर तो आओ फोटो जी, इधर आप इधर आ जाओ ना, उधर तो दिखेंगे भाई साहब ने उधर खड़े करो ना साइड में, जगदीश जी सारी आ जाएंगे साइड में, आप यहाँ खड़े हो जो यही खड़े हो जो आप भी आप साइड में आ जाओ, ये साइड में नूनी साइड वाली साइड। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पन्नी ही ठाकुर था साइड में। सरदार जी मार देने के वीडियो साइड में, एक मिनट भाई साहब एक बार देख लो, बस इधर वीडियो बना दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस साइड देखो भाई साहब, बस है। हाँ जी, ये आज पौधारोपण किया गया किस पर्पज से? प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है जी, 23 से लेकर 6 जुलाई तक एक पौधा माँ के नाम, तो उसकी आज शुरुआत की है, तो आज के बाद हजारों पौधे जो हो सफेदों विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाएंगे। लगातार गर्मी बढ़ रही है, पौधे का बड़ा फायदा इसमें को दो राय नहीं, जनता को फायदा होने वाला है इससे, क्योंकि पौधा लगेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, गर्मी भी कम होगी, तो इसके फायदे फायदे हैं। ये देखिए एक बड़ी मुहिम को प्रधानमंत्री ने आज उसकी शुरुआत कर दी है, पौधारोपण लगाकर एक पौधा अपनी माँ के नाम। आज इस अभियान को कर्मवीर सैनी ने भी पौधा लगाकर इसकी शुरुआत सफेदों विधानसभा में कर दी गई है और ये तस्वीरें तमाम जो नेता यहाँ मौजूद रहे हैं उनसे भी हम चर्चा लगातार करेंगे, युवा है उनसे भी बातचीत करेंगे। कर्मवीर सैनी आज विधानसभा का भी कहीं ना कहीं बातचीत चली है कि भाई विधानसभा की भी तैयारी आप में जुट जाओ, क्या तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी है जी, और अब की बार ओबीसी समाज को मौका मिलेगा, अब की बार पूरी तैयारी है। हमारे कल पंचकुला मीटिंग में अमित शाह जी आए थे और वो ओपनली बोल के गए हैं जी कि अगली बार तीसरी बार जो मोदी सरकार बनेगी हरियाणा में उसमें भी जो मुख्यमंत्री होंगे हमारे श्री नायब सैनी जी होंगे और कोई नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया चल रही है लहर मोदी जी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज विधानसभा की तैयारी कर दिया कर्मवीर ने, कैसा क्या रुझान होगा? रुझान तो मन बहुत ही बढ़िया है, अगर भाई साहब ने टिकट दे नायब सैनी साहब तो जीतेगा, यू जीतेगा जमा जीतेगा बढ़िया। विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर दिया, कर्मवीर को अगर टिकट मिलेगी तो क्या कुछ होगा? देखो जी, जनता है ना इनके साथ है, इनको अपना नेता मानती है, बढ़िया काम करे हैं ये और जनता की हर चीज का वो रखते हैं ध्यान। आज भी देखो है ना, वन बाय वन है ना सब अपनी शिकायतें लेके आ रहे हैं और ये उनको निपटार करे हैं। तो समाधान का दूसरा नाम कर्मवीर सैनी हो गया। देखो जी, जो नेता है ना वो ये अपनी बात पर खड़े उतरते हैं, इसलिए है ना इनका कार्यकर्ताओं का, बीजेपी वर्करों का और यहाँ की जनता का, हल्के का इन पर विश्वास है। अजी केला का के भी उतरेगा? बढ़िया भी उतरेगा,
बहुत बढ़िया रहेगा। जो मेहनत कर रहे 15 साल से उनको फल तो मिलेगा, में तो है। मतलब जो 20 साल से, पिछले 20 साल से 15 साल से सफेदों में रुके हुए हैं, तो उसका फल जरूर मिलेगा। हाँ, दुआ जी, क्या क्या कहना चाहोगे? अगर चुनाव लड़ता है तो क्या रहेगा? बहुत बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया हो रहेगा। 20 साल से काफी टाइम से मतलब संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, सुख दुख में हर चीज में। देखो, मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए है। और हमने भी उम्मीद है कि भाई साहब कर्मी श्रेणी को टिकट मिला, और हमने भी मतलब ज्यादा ही मतलब वो है भारी मतों से लेके आए, और अच्छी मूवी। ये देखिए, कार्यकर्ताओं में भी जोश है कर्मवीर सैनी के चुनाव को लेकर। अब हवा जो है कहीं ना कहीं लगातार बहने लगी है, उड़ने लगी है, चलने लगी है। अब विधानसभा के चुनाव में मात्र 4 महीने का समय है, ऐसे में कर्मवीर सैनी ने भी आज ऐलान कर दिया है कि अगला चुनाव उनके कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जुट जाए और आने वाली 7 तारीख को एक बड़ा मैसेज, एक बड़ी मीटिंग करके कार्यकर्ताओं में संदेश देने का काम करेंगे। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तेलगा।